हेलो फ्रेंड्स, आई एम सदाशिव एंड वेलकम टू क्लासरूम। आज हम देखेंगे प्रिमिटिव पॉलीनोमियल के बारे में। ठीक है, तो प्रिमिटिव पॉलीनोमियल में क्या होता है कि हमारे पास जो भी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन गिवन होती है, हम उसको एक सीक्वेंस से हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसको डिवाइड करने से क्या होगा, अगर उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है डिवाइड करने से, तो वो हमारा प्रिमिटिव पॉलीनोमियल इक्वेशन बन जाता है। अगर वो जीरो वैल्यू नहीं आती उसकी, तो उसका मतलब वो प्रिमिटिव पॉलीनोमियल नहीं। तो जैसे कि हम ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, x की पावर 3 x डॉट 2 प्लस x प्लस 1। तो ये हमारा क्या है कि इक्वेशन गिवन है हमें, अब ये चेक करना है कि ये इक्वेशन प्रिमिटिव पॉलीनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन है वो क्या है, इसको डिवाइड करने के लिए हम उस इक्वेशन से इसको डिवाइड करेंगे, तो वो है हमारे पास एक्स की पावर टी प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे इससे। तो एक्स की पावर टी प्लस 1 क्या है, अब देखो हमें टी की वैल्यू निकालनी है पहले। तो टी क्या है हमारा, टी इज इक्वल टू है 2 की पावर एन माइनस 1। ठीक है, 2 की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पर देखो एन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ बिट, ये कितने बिट का है। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 हाइएस्ट पावर है, तो यहाँ पर एन की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो देखो यहाँ पर कितना होता है 2 की पावर 3 माइनस 1, तो 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 2 टू 4 8, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, यानी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, अब तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 7। ठीक है, हमारे हमको क्या मिल गई, ये वाली वैल्यू मिल गई, इस वैल्यू से हमें इसको डिवाइड करना। अगर डिवाइड करते समय लास्ट में अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, ठीक है, जो रिमाइंडर मतलब कि रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता है, तो ये हमारा प्रिमिटिव पॉलीनोमियल बन जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं इसको। सबसे पहले ये इक्वेशन लिखा हमने, x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय x की पावर 7 प्लस। ठीक है, अब देखो x पावर 7 है, x पावर 3 है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, x की पावर 4 x की पावर 7 आ गया। ठीक, x की पावर 6 हम साइड में लिख लेते हैं, x की पावर 6 प्लस यहाँ पे क्या x की पावर 5, यहाँ पे x की पावर 4। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, ये 1 आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को दोबारा हमने फर्दर लिख लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 1, ये इक्वेशन हमने दोबारा यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद हमने दोबारा x पावर 6 है, x पावर 3 है, तो x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा x की पावर 6, ये x की पावर 5 पावर है, x की पावर 5 और ये x की पावर 4, x की पावर 4 और ये x की पावर 4 हो गया, x की पावर 3, यहाँ पे कितना है x की पावर 3। ठीक है, अब इसको कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्यों माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे माइनस। ठीक है, ये ऐसे ही होगा, ये काट दिया इसको, अब ये क्या बचेगा हमारे पास, एक्स की पावर 3 प्लस 1। अब यहाँ पे देखो एक्स की पावर 3 ये भी, एक्स की पावर 3 ये भी, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो 1 इंटू एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 3, 1 इंटू एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2, 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स, और 1 इंटू 1, तो 1 के नीचे ही आ जाएगा। तो अब हमने इसको डिवाइड किया, तो क्या होगा, देखो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, ये दो, तो x की पावर 2 प्लस x, तो यहाँ पे देखो x की पावर 2 अब इससे कम वैल्यू आ गई है ना, कम वैल्यू माइनस नहीं होगी, तो हमारा देखो जो रिमाइंडर आया है वो ये आया है x की पावर 2 प्लस 1। तो देखो अब ये जीरो नहीं हुआ है, इसका मतलब कि ये जो हमारा इक्वेशन है, जो इक्वेशन गिवन था, ये प्रिमिटिव पॉलीनोमियल नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ रिमाइंडर जीरो आ जाता, तो इसका मतलब ये प्रिमिटिव पॉलीनोमियल बन जा। ठीक है, अभी हम दूसरा एग्जांपल लेके देखेंगे, उसमें चेक करेंगे ये प्रिमिटिव पॉलीनोमियल है या। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें सिर्फ एक चेंज कर रहे हैं, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होता, तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, अब एक इक्वेशन ले लेते हैं, अब हमने क्या किया, इसमें एक इक्वेशन ले लिया दूसरा इक्वेशन, अब हम इसमें चेक करेंगे कि ये प्रिमिटिव पॉलीनोमियल है। अब देखो ये हमारे पास डिवाइड वाला जो इक्वेशन बनेगा वो यही बनेगा, क्योंकि इसकी हाइएस्ट पावर कितनी है, 3 है। ठीक है,
तो हम स्टार्ट करते हैं, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 1 अंदर में क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 7 प्लस 1। ठीक है, अब देखो एक्स की पावर 7 है, एक्स की पावर 3 है, तो यानी एक्स की पावर 4, ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 6 साइड में लिख लेते हैं, और एक्स की पावर 4 ये कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, और तो इसको कट करेंगे, यहाँ देखो एक्स पावर 3 एक्स पावर 6 है, एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 6 हो गया, एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, एक्स की पावर 3 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3। ठीक है, अब इसको कट करेंगे, ये कट हो जाएगा, बचा क्या, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स सॉरी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 1। यहाँ पे एक्स पावर 5 एक्स पावर 3 है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 आ जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 4। ठीक है, और देखो एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2 साइड में लिख लेते हैं, सो कट करेंगे फर्दर, माइनस माइनस ये कट हो जाएगा, बचा क्या, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 1 ये बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो एक्स की पावर 3 ये भी, एक्स की पावर 3 ये भी है, 1 से कर दिया मल्टीप्लाई इसको, देखो 1 एक्स की 3 एक्स की 3 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स की 2 एक्स का 2 प्लस 1 इंटू 1। अब देखो ये सब सेम है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ देखो हमारा जो डिवाइड जो हमने किया है इसे इस वाले इक्वेशन में, देखो हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर 0। अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, मतलब कि जो ये इक्वेशन है हमारी ये प्रिमिटिव पॉलीनोमियल है। तो हम किसी भी करेक्टरिस्टिक्स पॉलीनोमियल को अगर हमें ये चेक करना है कि वो प्रिमिटिव पॉलीनोमियल है क्या नहीं, तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि वो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स की पावर टी प्लस वन, वेयर टी इज इक्वल्स टू 2 की पावर एन माइनस वन। तो इस हम इक्वेशन से, इस पॉलीनोमियल से हम इस करेक्टरिस्टिक्स पॉलीनोमियल को डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो हमारा प्रिमिटिव पॉलीनोमियल है, अगर नहीं आता तो वो हमारा प्रिमिटिव पॉलीनोमियल नहीं होगा।